तो आज मैं फेस पैक लगा रही हूँ, तो सोचा आपको दिखा दूँ। ये सुबह सुबह का मेरा चेहरा है अभी थोड़ी देर। अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, चाय पी है और नहाने के पहले मैंने सोचा फेस पैक लगाते हैं। तो ये फेस पैक मेरी बेटी लेके आई थी, बहुत अच्छा है। मेरे पास ओरिजिनल बॉटल नहीं है उसकी, मैंने थोड़ा सा रख दिया था अपने पास। अल्टा से ऑर्डर किया था उसने, उसका नाम है टूला डिटॉक्स एक्सफोलिएटिंग फेस मास्क। तो बहुत ही अच्छा वाला है, कोई सोचा चलो आपके साथ थोड़ी बातें करते हैं और फेस पैक लगाते हैं, सेल्फ केयर करते हैं। तो ये सिलिकॉन ब्रश है जो मैं लेके आई हूँ, और अगर आपने कभी यूज़ नहीं किया है और अगर आप फेस पैक लगाते हैं इन जनरल, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बिल्कुल रबड़ का जैसे बना है सिलिकॉन का, और इट हेल्प्स स्प्रेडिंग द पैक वेरी ब्यूटिफुली इवनली। और बिल्कुल भी देखो जैसे प्रोडक्ट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होता। मैंने छोटे डब्बे में निकाल के रखा था थोड़ा सा, बहुत ही बेहतरीन है ये, आई वुड हाईली रिकमेंड। थोड़ा महंगा है, ऐसे मुझे नहीं पता कितने का है, मैंने नहीं ऑर्डर किया था। तो मैं बोली कि जब डालूंगी ना तो आप उस पर प्राइस देख लेना। तो बहुत कम चाहिए होता है वैसे विथ वार्म वाटर। तो ये लिखा है 5 मिनट रखना है, बट मैं ना आज थोड़ी कुकिंग वुकिंग करनी है। ये गिर रहा है टड़क टड़ा, तो इसको ना 5 मिनट रखना है। बट मैं जब तक खाना नहीं बन जाता तब तक रखूँगी, फिर वहाँ फिर नहाने जाऊँगी ताकि वो स्मेल भी चली जाए। तो ये है मेरा फेस पैक, फिर मैं जब निकालूँगी तो उसके बाद आपको फिर से बताऊँगी। तो ये देखिए, ये कॉलीफ्लावर काट के रखा है, बहुत दिन हो गए, नीड टू मेक दैट। आई हैव सम बॉइल्ड आलू इन देयर विच आई एम गोइंग टू यूज इन वन सब्जी। ये कॉलीफ्लावर में डालने के लिए पिजन तूर के लीलवा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको। बैंगन काट के रखा मैंने अभी, ये बैंगन और आलू साथ में बनेंगे, टमाटर। और ये जो सब्जी की ग्रेवी मैंने दिखाई थी आपको एक वीडियो में, उसको मैं यूज़ करूँगी ये बैंगन की सब्जी बनाने के लिए। और मेरे हस्बैंड ने अभी हनी ड्यू लेमन काटा है, तो बनाते बनाते वो भी मैं खाऊँगी। और ये एक टिप है आपके लिए, अगर आपके फ्रिज में जगह है तो ऐसे कोई बास्केट आप ये सारी चीज़ें रख सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है बट मुझे अच्छा लगता है ये, इसमें मैं अपना सारा जैसे धनिया मिर्ची लहसुन, जैसे ये गार्लिक है, ये हरी मिर्ची भर के रखी है, और अगर अनियन एक्स्ट्रा बच गया हो तो उसको मैं सिप्लॉग में डाल के यहाँ रखती हूँ। और जैसे धनिया मैंने यहाँ पे अभी धो के रखा है, ये भी बैंगन की सब्ज़ी में जाएगा। तो ये भी मैंने यहीं पे इसी में रखा था, फिर ये पूरा जब यू डन यूजिंग इट पुट इट इन द फ्रिज व्हेन यू नीड इट टेक द होल थिंग आउट, यू नॉट रमेजिंग ऑल ओवर द फ्रिज फॉर ये कहाँ है एंड वो कहाँ है। सब्जियाँ बनाने के लिए, दालों में डालने के लिए, एवरीथिंग दैट यू नीड इज ऑल राइट देयर। सो आई एम ग्राइंडिंग सम जिंजर, आई एम सॉरी गार्लिक एंड ग्रीन चिलीज, नो जिंजर। सो हियर आई एम गोइंग टू डू दैट, गेट एवरीथिंग प्रेप्ड अप एंड देन द कुकिंग विल स्टार्ट। मेरा फेस पैक इज स्टिल ऑन माई फेस विच विल स्टे देयर अंटिल आई एम डन। तो नाउ आई विल कंटिन्यू विद दिस। ये
छोटा वेट ब्लैंड, वेट एंड ड्राई ब्लैंड है ये मेरे पास। मैं फिर दिखाती हूँ आपको, दिस इज द ब्लैंड। ये 25 ईयर्स पुराना है, बट इतना अच्छा है, बहुत छोटा है, एकदम देखो जैसे ये मेरा हाथ है, तो मेरे हाथ के कंपेरिजन में मेरे बिल्कुल पाम के साइज का है ये। एंड इट इज सो परफेक्ट फॉर ग्राइंडिंग ऑफ वेजेस, मसाला लो, अदरक, मतलब अच्छा ग्राइंड हो जाता है। तो ये दो तीन सब्जियां बना रही हूँ तो मैं सब साथ में ही ग्राइंड करके रख दूँगी, enough for use for everything, that way I don't have to keep doing it multiple times. तो और कैसे हो आप सब लोग, how is life? I hope you guys are taking care of yourself. इतनी अच्छी धूप निकली है आज, आप देख सकते हो इतना उजाला है किचन में, बट इट्स एक्चुअली आउटसाइड इट्स आई डोंट नो द टेम्परेचर। तो ये आलू कट चुके हैं, टमाटर काट लिए हैं, बाकी सारी सब्जियां कट गई, बिल्कुल तैयार है। ग्रेवी थोड़ी सी बची है जिसको मैं यूज़ कर लूँगी, जो ये टमाटर अनियन की बना के रखी थी, और थोड़े टमाटर और डालूँगी। तो प्रेपिंग इज़ ऑल डन, ये सब कचरा है, और साथ में थोड़ा फ्रूट भी खा रही हूँ। तो अब बर्तन लेके आएंगे एंड कुकिंग विल स्टार्ट। तो सब प्रेपिंग के बाद अब सब्जी बनाएंगे। तो थोड़ा मस्टर्ड ऑयल लिया है, और पैन गरम होने के बाद मस्टर्ड ऑयल डाल के उसमें मैंने थोड़ा जीरा और राई डाल दी है, और वो कुटा हुआ जो ग्रीन मसाला था, ग्रीन चिलीज, गार्लिक एंड आई थिंक लिटिल बिट जिंजर, एंड आई एडेड दैट ग्रेवी दैट वाज प्री मेड दैट आई हैड शोन यू इन अनदर वीडियो। एंड वो ज़्यादा नहीं थी, इट वॉज जस्ट अ वेरी स्मॉल अमाउंट, तो आई नीडेड मोर ग्रेवी, सो आई एडेड सम टमेटोज एंड नाउ जस्ट लेट इट कुक। एडेड अ लिटिल सॉल्ट सो दैट द टमेटोज रिलीज द वाटर, एंड नाउ वी विल वेट अंटिल द टमेटोज गेट अ लिटिल बिट कुक्ड एंड मुशी। टमेटोज आधे कुक हो चुके हैं, तो बस इसमें छोटे छोटे काटे हुए बेबी एग प्लांट डाले हैं मैंने, जो मैंने काट के रखे थे। तो ये एग प्लांट को पूरा भरते की जैसा ना पूरा मैश करके मैं कुक करूँगी। तो बस अब ये एग प्लांट को धीरे धीरे कुक होने देना है। थोड़ी हल्दी और थोड़ा नमक डाल के बस गर्म पानी ऐड किया है, और बस इसको धीरे धीरे एग प्लांट को पूरी तरह 100% कुक हो जाने देना है। बीच में मैंने कटा हुआ धनिया भी डाला, तो बस इसको हिलाते रहना है, और जैसे जैसे इसका पानी सूखे उसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएं, बहुत ज़्यादा एक बार में मत डालें। तो बस ये एग प्लांट को ऐसे ही धीरे धीरे चलाते हुए नज़र रखते हुए 100% कुक हो जाएगा, तो मैश होने लगेगा जब आप वो उल्टे चमचे से उसको दबाओगे, तो उस कंसिस्टेंसी का मुझे चाहिए, यानी एग प्लांट मुझे दिखना नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू काइंड ऑफ मैश द एग प्लांट एज मच एज पॉसिबल सो यू कैंट सी द एग प्लांट, एंड देन फिर उसको आलू डाल के जब कुक करेंगे तो बहुत अच्छी थिक एग प्लांट फ्लेवर वाली ग्रेवी हो जाएगी, बट वो ज़्यादा दिखेगा नहीं। तो अब आप देखेंगे कि एग प्लांट जब मैं दबा रही हूँ चमचे से तो बिल्कुल ही मैश हो रहा है, गल गया है पूरा ही। तो बस इस स्टेज पे
आ जाए तब तक मुझे कुक करना था, तो मैंने यहाँ तक कुक कर लिया है। अब इसमें सारे मसाले ऐड करूँगी, आपका जो दिल करे वो मसाले ऐड करो, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर। मैंने इसमें इन सब के अलावा थोड़ा सांभर पाउडर डाला है, सांभर पाउडर से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये है सांभर पाउडर, तो कोई भी पैकेट में जो मिलता है ना बाज़ार में, या अगर आप घर पे बनाते हो, मुझे नहीं आता तो मैंने नहीं घर का यूज़ किया, बट ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। सांभर पाउडर हैज़ रेड चिली, तो वो बी केयरफुल, अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा रेड चिली ऊपर से डालोगे तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो बी केयरफुल अबाउट द चिली पाउडर। बट बेसिक से मसाले हैं धनिया जीरा और फिर गरम मसाला, तो ये एग प्लांट कुक होने के बाद सारे मसाले डाल के अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर मसाले कुक हो जाएं, फिर मैं आलू डालूंगी। और ये मैं बताती हूँ, ये सब्ज़ी इतनी टेस्टी बनी थी, माय गॉड इट वाज अमेजिंग। थोड़ी तीखी बनी थी और हम लोग ज़्यादा तीखा खाते नहीं हैं, तो बहुत मतलब मुँह एकदम स्वाद हो गया। और बस ये मैंने उबले हुए आलू थे, देवर ऑलरेडी बॉयल्ड, तो इनको ज़्यादा कुक नहीं करना है, बट दे नीड टू कम टू अ स्टेट वेयर वो गले हुए लगने चाहिए। तो प्री कुक करके बॉयल करके रखे थे, जो काट के मैंने डाल दिए, 2 बिग आलूज आई थिंक। अब इसको पानी डाल के इसको कुक करना है। मसाला डल चुका है, एंड में आलू के हिसाब से आप नमक टेस्ट करके ऐड कर सकते हैं, और फिर टूवर्ड्स दी एंड मैंने शायद क्लिप लिया है या नहीं पता नहीं, बट मैंने लेमन जूस भी ऐड किया था आफ्टर द होल कुकिंग प्रोसेस वॉज ओवर। सो या कंटिन्यू वॉचिंग। तो आप अब देखोगे आलू एकदम गल चुके हैं, यहाँ मैंने थोड़ा नींबू ऐड किया है, और बैंगन और आलू में प्यार मोहब्बत इतनी बढ़ गई है, बिल्कुल दे लुक लाइक वेरी क्लोज फ्रेंड्स। तो बस इस स्टेट पे जब सब्जी आएगी ना, जब दोनों में प्यार हो जाए, तब अच्छी लगेगी। सब्जी बन के बिल्कुल तैयार हो गई है, फ्लेम ऑफ कर दी है, और फाइनली लास्ट में बहुत सारा धनिया, जितना फ्रेश धनिया इसमें डलेगा फ्लेवर उतना बढ़ेगा। तो माय सब्जी इज रेडी। सब्जियां मेरी बन के तैयार हो गई है, ये मैंने निकाला है मेरे हस्बैंड के लिए जो लंच में खाएंगे अभी, और ये बाकी बहुत गर्म है, मैंने निकाल के रखी है, ठंडी होगी तो रख दूंगी फ्रिज में। ये है द आलू बैंगन, यमी टेस्टी, यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। ये हनीड्यू जो बाकी बचा था मैंने काट के रख दिया है, उसको फ्रिज में रखेंगे। बर्तन भी सारे धो दिए हैं मैंने, खाली ये दो दो सब्जी के जो बर्तन हैं जो मैंने भी निकाली है उनको धोना है। एंड किचन इज प्रिटी मच क्लीन, नॉट 100%, बट इट्स देयर। और मेरा फेस मास्क अभी भी लगा हुआ है, तो बस अब जाके टेक केयर ऑफ दिस, टेक शावर, चेंज, गेट रेडी। तो या प्रोडक्टिव मॉर्निंग सो फार, थैंक यू। तो नहा धो के तैयार हो चुके हैं, ये है मेरा फेस, फेस मास्क वॉश करने के बाद और थोड़ा सा मेकअप करने के बाद। बेसिक मेकअप है, थोड़ा कॉम्पैक्ट लगाया है आईलाइनर, एंड दिस लिपस्टिक, आई लव दिस कलर। आप मुझे बताइएगा ये कलर मेरे फेस पे कैसा सूट होता है, मुझे पसंद है, और जैसा दिखता है आईने में मुझे पसंद है, बट ज़रूरी नहीं है कि अच्छा दिखता हो। वैसे ही मुझे तो हर ब्राइट कलर, और मुझे ना ब्राइट ब्राइट चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं मैंने क्यों ब्लैक पहना है, यूजुअली आई एम अ वेरी ब्राइट काइंड ऑफ अ पर्सन। तो ये है मेरा लुक, और ये इयर रिंग्स हैं जो मेरी बहन ने दी थी। I love my sister, I love you too.
एंड या तो बस यही दिखाना था आपको कि मैं नहा धो के तैयार हो चुकी हूँ। बाहर बहुत ही खूबसूरत दिन है, मैं बाहर देख रही थी, विंडो के सामने खड़ी हूँ ताकि वो लाइट से थोड़ा मेरा फेस ब्राइट दिखे। और तैयार हुई थी अच्छे से, तो एक रीडिंग भी मैंने रिकॉर्ड कर दी अभी अभी, वो पीछे सब पड़ा है, मेरा जंजाल, मेरा रिकॉर्डिंग का सामान सारा। तो बस थोड़ा जब वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया और आपके साथ थोड़ा दिन शेयर किया। तो मिलते हैं सून, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिलो कि आपको मैं कैसी लगी, और हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बी हैप्पी, बी हेल्थी, मेक ऑसम मेमोरीज, गो गेट इट।